इस ब्रांड का टी शर्ट कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी, इसका प्राइस कैसा है। बहुत ज्यादा पॉप आउट एंड रॉयल लुक दे रहा है, 191 में मुझे रिसीव हो गया। बीच वाइप देने वाला ये टी शर्ट है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूमिंग योरसेल्फ मेंस मैन। आपका यार, आपका भाई और आपका ही दोस्त आशीष, और आज फिर एक इंटरेस्टिंग सा हॉल लेके आया हूँ। आज का हॉल टोटल टी शर्ट हॉल होने वाला है। मैंने मिंत्रा से बहुत सारे टी शर्ट को बाय किया है और टोटली उन्हीं टी शर्ट का हॉल करूंगा इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इन द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, अगर नहीं किया तो कर लो ना यार, कौन से पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि मेंस फैशन ग्रूमिंग लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। टी शर्ट की जब बात आती है तो सबसे पहले हम लड़कों के दिमाग में एक ही चीज चलता है कि यार कहाँ से बाई करें और कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का टी शर्ट, जिसे हम कॉलेज भी पहन के जा सके और डेली यूज में भी कभी मार्केट में आउटिंग या डेट वगैरह में भी जाना हो हम वो टी शर्ट को कैरी कर सकते। तो वैसे काइंड ऑफ मैं टी शर्ट लेके आया हूँ जिसमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा। अधिकतर टी शर्ट जो है फ्लोरल प्रिंट के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे पहला टी शर्ट है वो आप देख सकते हैं, ये फेडेड रोज कलर का टी शर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो ब्रांड नेम है वो मोडा रैबिडो है, यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा तो आपको रेगुलर स्लीव देखने को मिल जाएगा, हाफ स्लीव का टी शर्ट है, राउंड नेक देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर के रोज काइंड ऑफ पैटर्न पे आपको फ्लोरल प्रिंट देखने को मिलेगा, जो बहुत ज्यादा एस्थेटिक लुक दे रहा है इसको और बहुत सेटल्ड लुक भी देख रहा है, बहुत ज्यादा पॉप आउट नहीं हो रहा है इसका जो फ्लोरल प्रिंट है, जिसे आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। और मैं बैक की बात करूं तो आप देख सकते हैं वैसे ही काइंड ऑफ पैटर्न का पूरा प्योर देखने को बैक से भी आपको मिल जाएगा। तो टी शर्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है। मैं इसके फैब्रिक की बात करूं तो इसके जो मटेरियल है काफी अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है, इन्होंने प्योर कॉटन मटेरियल का ही यूज किया, और आप जब इसे वेयर करेंगे तो आपकी बॉडी साथ अच्छे से चला जाएगा और इसे आप कहीं भी कॉलेज आउटफिट के साथ या फिर कहीं भी रेगुलर आउटफिट में पहन सकते हैं, काफी अच्छा टी शर्ट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसके प्राइस टैग में ब्रांड नेम के बाद 899 रुपए मेंशन है ना, इतने आपको खर्च नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 296 में रिसीव हो गया है। 296 में आपको फ्लोरल प्रिंट काइंड ऑफ टी शर्ट मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का टी शर्ट मिल जाए ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारी टी शर्ट को मैंने अपने पैसों से बाय किया, कोई पैड प्रमोशन नहीं है, इसलिए जेन्युइन रिव्यू आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सारी टी शर्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चाहे तो बाय कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट टी शर्ट की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ ये ऑलिव ग्रीन कलर का टी शर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, प्योर सॉलिड कलर आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं भी प्रिंट वगैरह मेंशन नहीं है बैक में भी और फ्रंट में भी, बस सामने आपको लेफ्ट साइड में थोड़ी सी ब्रांडिंग हियर एंड नाउ का देखने को मिल जाएगा। ये इसका जो ब्रांड नेम है वो हियर एंड नाउ है, जो आपको मिंत्रा में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जब आप स्क्रॉल करेंगे ना कोई भी टी शर्ट या फिर शर्ट बाय करने जाएंगे तो हियर एंड नाउ एक ऐसा ब्रांड है जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ब्रांड का भी टी शर्ट बाय करूं जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो जाए कि इस ब्रांड का टी शर्ट कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका प्राइस रेंज कैसा है। इसके बाद में बात करूं तो प्योर आपको राउंड नेक देखने को मिल जाएगा, एंड अगेन इसकी साइज एम है और मुझे काफी अच्छे से फिट आ गया है, मैंने इसे साइड में वेयर किया है, आप देख सकते हैं मुझे बहुत अच्छे से फिट आ गया है, तो फिटिंग वाइज कोई भी इशू नहीं है, जो आपको रेगुलर साइज आप उसकी तरफ जा सकते हैं। यह डेली यूज के लिए काफी अच्छा टी शर्ट होने वाला है क्योंकि ये सॉलिड कलर है, इस पे कोई भी प्रिंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो डेली यूज में ऐसे ही टी शर्ट हम प्रीफर करते हैं। इसके बाद में इसके मटेरियल की बात करूं, अच्छा कॉटन मटेरियल का इन्होंने यूज किया, काफी सॉफ्ट मटेरियल है जिसे आप समर एंड मानसून में भी काफी अच्छे से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मानसून में जो हमको इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा स्वेटिंग वगैरह भी होता है, तो वैसे काइंड ऑफ मटेरियल नहीं है, काफी अच्छे से आपकी बॉडी के ऊपर चला जाएगा, आप इसे काफी अच्छे से वेयर कर सकते हैं। एंड सबसे लास्टली मैं इसके प्राइस की बात करूं ना तो इसके टैग में जो मेंशन है ना वो अगेन 599, पर इतना पे नहीं करना आपको, ये सिर्फ और सिर्फ 191 में मुझे रिसीव हो गया है, आप भरोसा नहीं करेंगे। इतने अफोर्डेबल एंड बजट प्राइस में मैं ये टी शर्ट लेके आया हूं ना पूरा हॉल, क्या आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाले हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टी शर्ट की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का टी शर्ट है, पर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि आपको फ्रंट में आपको ये ग्राफिक पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छा लुक दे रहा है, देख सकते हैं आप कितना ज्यादा पॉप आउट कर रहा है ब्लैक के लुक को, या रेड एंड व्हाइट कलर का ये जो ग्राफिक प्रिंट है उसमें ग्रे भी मिक्स है, काफी अच्छा मुझे लगा ये पैटर्न। अगेन आपको यह राउंड नेक टी शर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके मैं ब्रांड की बात करूं तो हियर एंड नाउ ब्रांड का टी शर्ट है, जो आपको मिंत्रा पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड अगेन साइज एम है, जिन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। स्लीव की बात करूं तो आपको रेगुलर स्लीव देखने को मिल जाएगा, स्लीव का लेंथ जो है वो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद मैं बात करूं ना इसके ग्राफिक प्रिंट की, तो आप देख सकते हैं रेड एंड ग्रे रोज काइंड ऑफ पैटर्न पे आपको ये प्रिंट देखने को मिल जाएगा, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया ये प्रिंट, टाइम के साथ बहुत जल्दी फेड नहीं होगा क्योंकि अच्छी क्वालिटी का इन्होंने प्रिंट किया हुआ जितना मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है। उसके बाद अगेन आपको नीचे थोड़ा सा लिखा पड़ा हुआ व्हाइट कलर पे मिल जाएगा, जो व्हाइट रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, काफी एस्थेटिक लुक दे रहा है और इस टी शर्ट को बहुत ज्यादा पॉप आउट भी कर रहा है। एंड अगेन बैक में भी आपको सिंपल लुक देखने को मिल जाएगा, कोई भी ग्राफिक पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में इसके सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल क्वालिटी भी काफी अच्छा है, और पहले के दो टी शर्ट के हिसाब से इसके मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट है,
इन्होंने कॉटन का ही यूज किया है, पर ऑलमोस्ट कुछ मिक्स है लाइट कॉटन का यूज किया है। बहुत ज्यादा बल्की काइंड ऑफ मटेरियल नहीं है, बहुत लाइट वेट मटेरियल है, तो आप काफी अच्छे से इसे कैरी भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज जाने में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन चाहिए ना, तो डेफिनेटली इस टी शर्ट की तरफ आप जा सकते हैं, आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। एंड लास्टली मैं प्राइस की बात करूंगा, इसके टैग में जो है 599 मेंशन है, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 223 रुपीज में रिसीव हो गया था। काफी बजट फ्रेंडली हॉल करने वाला हूँ यार, तो स्टे कनेक्ट विथ मी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टी शर्ट की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो पीच एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्योर टाई एंड डाई पैटर्न है, आपको राउंड नेक अगेन देखने को मिल जाएगा, पर नेक पे आपको व्हाइट का ही बॉर्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। अगेन मैं इसके ब्रांड की बात करूं तो मस्ट एंड हॉरर ब्रांड का ही टी शर्ट है, साइज एम है आपका, जो रेगुलर साइज आप उसकी तरफ जा सकते हैं। इसे मैंने साइड में वेयर भी किया हुआ है, मुझे काफी अच्छे से फिट आ गया है। उसके बाद मैं बात करूं ना इसके मटेरियल की, तो मटेरियल क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी सॉफ्ट मटेरियल इन्होंने यूज किया है, काफी अच्छा फैब्रिक मटेरियल यूज किया है, बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं है, काफी बल्की मटेरियल इन्होंने यूज किया है। मुझे मटेरियल वाइज साइड टी शर्ट बहुत ज्यादा पसंद है और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। एंड मैं बात करूं सबसे लास्टली इसके प्राइस की, तो 899 इसके प्राइस टैग पे मेंशन, इतना आपको खर्च नहीं करना, या मुझे 286 रुपए में रिसीव हो गया था, मतलब 286 में अगर ऐसा टी शर्ट आपको रिसीव हो जाए तो आपको ये डील बिल्कुल भी मिस नहीं करना है यार। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टी शर्ट की बात करें, तो आप देख सकते हैं फिर अगेन व्हाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन पे आपको ये फ्लोरल प्रिंट काइंड ऑफ टी शर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके मैं ब्रांड नेम की बात करूं तो मस्ट एंड हार्बर है। इसका प्रिंट आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम, काफी अच्छा लग रहा है। आपको व्हाइट पे जो ब्लू है ना वो बहुत ज्यादा पॉप आउट एंड रॉयल लुक दे रहा है, मुझे ये प्रिंट बहुत ज्यादा पसंद आया। इसका जो व्हाइट भी है ना बहुत अच्छा व्हाइट है। साइज की बात करूं तो यहां मैंने इसे साइड में वेयर किया है, काफी अच्छा लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं इसको पहनने के बाद आपकी बॉडी ना बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन लगने वाली है और काफी मैनली फीलिंग देने वाली है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है कि आपको 300 के अंडर बजट का टी-शर्ट आपने कैरी किया है, लोगों को लगेगा आपने बहुत ज्यादा महंगे ब्रांड के टी-शर्ट पहना हुआ है। फैब्रिक की बात करूं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉटन का इन्होंने यूज किया है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, जैसे मखमल काइंड ऑफ कॉटन होता है ना वैसे काइंड ऑफ कॉटन का इन्होंने यूज किया है। मुझे इसको हाथ में उठाने में फील हो रहा है, काफी अच्छी क्वालिटी है इसके फैब्रिक की, फैब्रिक का मैं फैन हो गया। मस्ट एंड हार्बर के साइड टी शर्ट बहुत अच्छे हैं। एंड लास्टली मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये मुझे 254 रुपए में रिसीव हो गया था, तो अच्छा डील है। अगर 250 रुपए में ऐसे टी शर्ट मिल जाए ना तो आपको कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डील को बिल्कुल भी ग्रैब कर सकते हैं। एंड इसके बाद अपने लास्ट टी शर्ट की तरफ चलते हैं, तो मैंने इसे वेयर ही कर लिया, आप देख सकते हैं यह भी एक फ्लावर काइंड ऑफ टी शर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो मेन बेस कलर है वो व्हाइट कलर का है, इस पे आपको रेड ग्रीन ब्लैक के कॉम्बिनेशन पे आपको फ्लावर एंड लीफ देखने को मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है इसको। आपको इसको पहनने के बाद और देखने के बाद ना बिल्कुल भी बीच की याद आ जाएगी, बीच वाइब देने वाला ये टी शर्ट है। आप कभी समर में या फिर मानसून सीजन में कहीं भी बीच के किनारे जाना चाहते हो तो आप इसको पहन लीजिए, आपके बीच लुक को बिल्कुल भी कंप्लीट कर देगा। आप एक शॉर्ट के साथ इसे पहन के बिल्कुल जा सकते हैं। काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड कलर्स के टी शर्ट बाई किए हैं, जिससे आपको डेली एसेंशियल टी शर्ट की जो कमी है ना वो पूरा हो जाए। मस्ट एंड हार्बर ब्रांड का मिल जाएगा, मैंने एम साइज का बाइक है, मुझे काफी अच्छे से फिट आ गया, आप साइड में देख सकते हैं, बहुत अच्छा लुक दे रहा है इसको पहनने के बाद। इसके कॉटन क्वालिटी की बात करूं, इसके फैब्रिक की बात करूं, तो काफी अच्छा फैब्रिक मटेरियल इन्होंने यूज किया हुआ है। जैसे सारे मस्ट एंड हार्बर के टी-शर्ट आपने पहले देखे ना इसके पहले, वैसे ही काइंड ऑफ इसकी क्वालिटी है। क्वालिटी वाइज इन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्होंने टी-शर्ट बनाया है, काफी अच्छा कॉटन मटेरियल का यूज किया है। एंड लास्टली मैं इसके प्राइस की बात करूं, 254 रुपए में अगेन रिसीव हो गया था, तो ऐसा टी-शर्ट 254 में रिसीव हो जाना तो इसे छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे टी-शर्ट का मैंने यहां पे डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर किया, जरूर आपको टी शर्ट हॉल पसंद आया होगा। ये रहा इसका कंप्लीट हॉल, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे टी शर्ट एंड जींस क्लोथिंग आइटम से रिलेटेड जो भी हॉल चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके बता सकते हैं, वहां भी आपके मैसेज का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए पूरी बनाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं फैशन ग्रूमिंग लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाए। तब तक बाय बाय दोस्तों, की हेल्दी स्टे फिट।